तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं शकीतरा जेठाल का मेंटेनेंस का चेक आया ही नहीं। जेठालाल क्या करूं मैं तुम्हारा? शो फैजल क्या होना है माधवी? ये दुनिया में ना सब चीज बदल सकती है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, ये जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक देना भूल जाना। हमेशा की तरह मुझे याद दिलाना पड़ेगा। दे देंगे वो। अरे कब देंगे? हाँ अभी ये सारे चेक मैं बैंक में डालने जाऊंगा, उसको जब याद आएगा तब वो चेक देगा, तो दोबारा बैंक में जाऊँ उसका चेक डालने के लिए? मैं जब तक याद नहीं दिलाऊंगा ना तब तक वो चेक देगा ही नहीं, अभी उसके घर पे जाके याद दिलाना पड़ेगा। सुबह सुबह ऐसे किसी के घर पैसे मांगने जाना अच्छी बात नहीं है। ए, पैसे मांगने? मैं क्या उधार मांगने थोड़ी जा रहा हूँ माधवी, मेंटेनेंस का चेक मांगने जा रहा हूँ। हाँ मुझे तेज, लेकिन ठीक नहीं है ऐसा। अरे क्या ठीक नहीं, यही ठीक है। अभी चाचा जी घर पे होंगे तो उनके सामने जेठालाल को क्लियर बोल दूंगा कि आगे से मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं दिया ना तो पेनल्टी, डबल पेनल्टी लगेगी। आहो। अरे मंजे का है। पर शांति से बात कीजिए। अरे मारा क्या कामा छोड़े तेने? अरे नहीं आहो। सखाराम सखाराम, तुम्हारे बगैर सोसाइटी कितनी सुनी सुनी लग रही है। जल्दी से आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी से आ जाओ। दस गई? नहीं नहीं सूरत दादा ऐसा मत करो प्लीज। जेठालाल वापस आ गई। थैंक यू दादा। भिड़े तू ठीक है ना? हाँ। क्या हो रहा था तुझे? अरे पता नहीं, मैं यहाँ खड़ा था तो सिर पे कुछ भारी चीज गिरी और चक्कर सा आ गया। तुमने देखा मेरे सिर पे क्या गिरा? तुमने देखा मेरे सिर पे क्या गिरा? अरे भिड़े तू क्या मेरे घर पे आ रहा है? हाँ मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए आ रहा हूँ। अरे वाह, तो आ ही रहा है तो लोटा भी ऊपर लेके आना। सॉरी जेठालाल, मैंने जब तुमसे पूछा कि मेरे सिर पे क्या गिरा देखा तुमने तो तुमने क्या बोला? नहीं अरे पानी से भरा हुआ लोटा मेरे सिर पे दे मारा। नहीं नहीं दे नहीं मारा भाई, वो लोटा मेरे हाथ से छटक गया। अरे ऐसे कैसे छटक गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अरे डोका थोक पड़ ली ऐसी बन जाए। अरे लोटे से भोक कसी पड़ना? अरे भोक नहीं खोक, कट लग जाता तो टाके लग जाते मुझे यहाँ पे। अरे वो छोड़ो, मेरी याददाश्त चली जाती तो उसका क्या? तो बच्चों को कैसे पढ़ाता? मुझे फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता। और आजकल मालूम है पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। घर पे क्या गिरा पूछने पर भी बताता नहीं है, निर्लज्जक। अरे भिड़े भिड़े, अरे तू तो मेरे घर पे आ रहा था ना? हाँ आ रहा था लेकिन अब नहीं आऊंगा। अब तुम मेरे घर पे आओगे मेंटेनेंस का चेक देने के लिए? हाँ नहीं नहीं वो तो मैं आऊंगा ही चेक लेके, लेकिन लोटा तो देके जा भाई। नहीं तुम्हारा लोटा मैंने अभी जब्त कर लिया है। अरे घर पे आओ, मेंटेनेंस का चेक दे दो और लोटा ले लो। अरे अरे अरे, अरे, अरे क्या बचपना कर रहे है भाई? देखा ना बबीता जी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लोटा जब्त कर रहा हूँ।
Well, thank God उनको ज़्यादा लगा नहीं। हाँ, नहीं वो तो आपके होते हुए उसको कैसा लग सकते हैं बबीता जी? अरे वो कहते हैं ना हर इंसान का एक एरो होता है, तो आपका एरो तो इतना मजबूत और इतना पॉजिटिव है कि उसके किरणों की वजह से भीड़ बच गया, उसको ज्यादा लगा नहीं। You mean to say aura? हाँ हाँ वही 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 ओ हाँ। अच्छा क्या जेठा जी आप भी? वैसे जेठा जी तुम्हारो शर्ट बहुत सारू छे। हैं? अब गुजराती बोले? क्यों बराबर बोली ना? बराबर बोली ने? ना नहीं बराबर बोली ने ऐसा नहीं। नहीं नहीं मैं आपको हिंदी में पूछ रही हूँ। अच्छा 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 हाँ हाँ गुड 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 आपने खूब भला गुजराती बोल छी। अरे वाह की व्यापार आपने तो खूब भला बांग्ला बोल छे ना। आई मीन आपने भी बहुत अच्छा बंगाली बोला। हाँ नहीं नहीं समझा समझा मैं वो तो। अरे अच्छा ओके और मैं तो बोलूंगा ही ना बबीता जी अच्छी बंगाली मेरी प्रेरणा मूर्ति कौन है? आप क्या जेठा जी आप भी ना आप इतनी अच्छी है तो मुझे तो आएगी ना अच्छी बंगाली। सेठ जी गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे हाय गुड मॉर्निंग बागा भाई। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या बात है भागा सुबह सुबह तो यहाँ क्या हुआ? सेठ जी एक जबरदस्त खुशखबरी है। बोलो बोलो बबीता जी देखा आपके हीरो का कमाल देखा अभी तो खुशखबरी भी मिल रही है। जीजा जी औरा औरा हाँ वही 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 बोल 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 भागा क्या खुशखबरी है बता बबीता जी भी तो सुने। हाँ सॉरी जेठा जी बागा भाई मुझे कॉल रिसीव करना पड़ेगा ओके बाय बाय गुड डे टू यू गाइस। बाय बाय बबीता जी। हाँ तो सेठ जी खुशखबरी ये है। ए भाई वहाँ से क्या सुना रहा है घर पे आके बता आजा। जी जी आया। बाबूजी हाँ बागा आया है। हाँ नहीं मतलब कंपाउंड में ऊपर आ रहा है अभी। अचानक सुबह सुबह यहाँ कह रहा है कुछ खुशखबरी लेके आया है। अच्छा नमस्ते बापूजी। अरे हाँ बागा बोल बोल क्या खुशखबरी लेकर आया है? आपको कैसे पता चला? जेठा ने बताया। ओ अच्छा हाँ हाँ बोल बोल क्या खुशखबरी है? बापूजी मैं बताता हूँ गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बड़ा ऑर्डर मिला होगा। अच्छा नहीं तो अगर वो खुशखबरी होती तो मैं आपको फोन पे ही सुना देता यहाँ तक बताने थोड़ी आता। अरे भाई तू हमेशा कहता है ना कि खुशखबरी सुन के आपके चेहरे पे जो खुशी उभरती है वो खुशी मैं देखना चाहता हूँ तो हो सकता है वो खुशी देखने के लिए तू यहाँ तक आ गया। नहीं नहीं सेठ जी बड़े ऑर्डर की खुशखबरी नहीं है। अच्छा तो याद कीजिए कल मैंने आपको गोडाउन में क्या कहा था? कहा था याद कीजिए ना। अरे भाई कल तो पूरे दिन में तूने मुझसे कितनी सारी बातें की थी अभी उसमें से कौन सी बात की तू बात कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक क्लू देता हूँ कल हमारे गोडाउन में कौन आया था? तू नहीं मगन। नहीं सेठ जी गोकुलधाम सोसाइटी से कौन आया था? मैं। आप तो रोज आते हैं सेठ जी आप नहीं तो याद कीजिए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कभी कभार हमारे गोडाउन में आते हैं। सीविंग बबीता जी पोपट भाई मैं पोपट भाई की बात कर रहा हूँ सेठ जी कल वो आए थे ना हमारे गोडाउन में। हाँ 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 कल पोपटलाल आया था बराबर तो पोपटलाल को लेके क्या खुशखबरी है? मैंने पोपट भाई के लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया है। और सेठ जी नौकरी मतलब ऐसी वैसी नौकरी नहीं मैनेजर की नौकरी। अच्छा कौन सी सल्तनत में? प्रशांत भाई के शोरूम में। अगर बेटा तूने अच्छी मेहनत की लेकिन अभी पोपट को नौकरी की जरूरत नहीं। क्यों?
उसे दूसरी नौकरी मिल गई। उन्हें समझाइए, मैनेजर की नौकरी बहुत अच्छी है। अरे भाई, उसको तूफान एक्सप्रेस में ही नौकरी मिल गई है। अरे लेकिन तूफान एक्सप्रेस तो बंद हो गया था ना? वापस खुल गया। क्यों? मतलब कैसे? वो उनको नया रोकण कर मिल गया तो उन्होंने डबल धमाके से फिर से खोल दिया। अभी कागज का अखबार तो आएगा ही, लेकिन साथ में वो अभी आता है ना वो मोबाइल पे डिजिटल एडिशन। हाँ वही वही, पोपट को उसका हेड बना दिया है। तो बहुत बुरा हुआ। और नहीं तो क्या, पोपट भाई को नौकरी मिल जाए इसलिए मैंने प्रशांत भाई के सामने पोपट भाई की तारीफों के कितने पुल बांधे थे, कितनी मेहनत की थी, तब जाके वो पोपट भाई को मैनेजर बनाने के लिए राजी हुए। अब मैं प्रशांत भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था ना सेठ जी। अरे पहले कैसे बताते बागा, हमको भी कल रात को ही पता चला। हाँ, अरे तो रात को मुझे एक SMS कर दिया होता। मैं अभी सुबह सुबह ही प्रशांत भाई के यहाँ सब कुछ कंफर्म करके आ रहा हूँ। अरे मैसेज कैसे कर देता है भाई, मुझे थोड़ी पता था कि तू कल रात को ही शहंशाह की तरह पोपटलाल के लिए नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। चल अभी टेंशन मत ले, प्रशांत भाई से मैं बात कर लूंगा बस। थैंक यू सेठ जी। अच्छा अब मैं निकलूं? अरे नहीं नहीं रुक, जेठिया भी दुकान ही जा रहा है, दोनों साथ में चले जाना। नहीं बापू जी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? मुझे वो भीड़े के घर पे मेंटेनेंस का चेक देने जाना है, वो देख के फिर मैं निकलूंगा। हाँ, तो तू निकल, मैं पहुंचता हूँ। जी सेठ जी, चलता हूँ बापू जी। अरे वाह जेठिया, इस बार तू भीड़े के याद दिलाए बिना ही सामने से चेक देने जा रहा है। कि भीड़े ने याद दिलाया इसलिए जा रहा है। तू हर बार ये मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? वही समझ में नहीं आता है बापूजी। तो जा अभी, फिर से भूल जाए उसके पहले जाके भीड़े को चेक दे दे। जी जी बापूजी जी। वहां कहाँ जा रहा है? चेक बनाने। हाँ आने दो, आने दो जेठालाल को, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं मतलब? अभी आप जेठा भाई के सर पे लोटा मारेंगे? कैसी क्या है माधवी बाबी? आप है ना? क्यों, माधवी से क्या काम है? नहीं नहीं, माधवी बाबी से कोई काम नहीं है। तो नहीं मतलब मैं ये माधवी बाबी को पूछ रहा था कि माधवी बाबी भीड़े घर में है ना, लेकिन फिर तू सामने ही दिख गया तो फिर इसलिए तेरा नाम नहीं बोला मैं। हाँ तो मैं घर पे रहूंगा ना, मैं कहाँ जाऊंगा? ए, कितना बिजी आदमी है भाई तू, तीन तीन जवाबदारी एक लाते संभालता है, शिक्षक की, अचार पापड़ की डिलीवरी की, सोसाइटी के सेक्रेटरी की। अरे सेक्रेटरी से याद आया, मेंटेनेंस का चेक में लेके आया हूँ, ये ले। एक मिनट चेक करने दो। बराबर है। तो मैं निकलूं? हाँ निकलो। लोटा? लोटा नहीं मिलेगा। था? बोला ना, मैंने जब्त कर लिया तुम्हारा लोटा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ऐसे क्या करते? नहीं बरोबर करते हैं, मैं उसे नया लोटा खरीदने दो, ताकि जब भी वो नया लोटा देखेगा ना उसको याद आएगा कि मेरे पास पुराना लोटा क्यों नहीं है, क्योंकि वो भेड़े ने जब्त कर लिया है। अहो अहो बियो काही नाही, त्याने लोटांगण जरी घातलं माझ्या पुढे तरी मी लोटा देणार नाहीये। असं काय करताय, लोटा लोटा दीजिए ना। माधवी बाबी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा नया लोटा खरीद लूंगा। लेकिन भाई भिड़े, ये लोटा देख के तुझे भी रोज याद आएगा। हाँ भाई, ये वही लोटा है जो तेरे सर पे पड़ा था। ये लोटा? हाँ बोलो सोड़ी। जल्दी से बालकनी में आ जा। क्यों बालकनी में क्यों आना है? देख सोसाइटी में कौन आया है। कौन आया है? हेलो हेलो, कमल सोड़ी का फोन था, बोल रहा है सोसाइटी में कोई आया, बालकनी में आओ। कमल है, कोई भी तो नहीं है। मेरा सगरम आ गया। और देख, तेरा सगरम आ गया। माधवी, सग
चलो दे चलो दे मैं नहीं भगत चलो दे जेठा भाई डाले थे यार क्या आ जाओ क्या मेरा सखाराम आ गया मेरा सखाराम अरे ओ ओ अरे अरे क्या है सब हाँ मैंने क्या किया आपका स्वागत है अरे वीड अंकल पोपट अंकल ने हमें कहा था कि जब भी सखाराम रिपेयर होकर आ जाए तब आपका और सखाराम का स्वागत धूम धाम से होना चाहिए यस अरे क्या बात है कर दिया ना सकाराम को पहले से भी बढ़िया थैंक यू सोड़ी थैंक यू मैंने देख रहा हूँ बराबर जॉइंट हुआ है कि नहीं सोड़ी ने किया तो बराबर ही किया होगा ना भाई सोड़ी थैंक यू वेरी मच भाई तुमने मेरे सकाराम को एकदम नए जैसा कर दिया भिड़े अंकल आगे से जब भी आपको सकाराम को नए जैसा करना हो ना तो बिंदास किधर भी ठोक देना पापा आपको एकदम नए जैसा करके देंगे ये मीडियम सोड़ी काय बोलते आज मराम आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू थैंक यू अय्यर सखाराम तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है माधवी आरती आरती हाँ हाँ जय सखाराम भाई 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 तुमको लोग सखाराम खुश हुआ ये बिड़ंगल संभाल क्या सखाराम को लग ना जाए गोया महित्य माला अभी फिर से करना पड़ेगा जय सर अरे नहीं नहीं आरती नहीं मैं नारियल की बात कर रहा हूँ आरती अरे इसकी क्या जरूरत थी गोलिया नहीं आपके लिए नहीं है सखाराम के लिए मैं तो बस पूछ रहा था बिड़ंगल हार कैसा लगा ओह अच्छा अच्छा नहीं नहीं बहुत अच्छा है हाँ पहनो पहनो सखाराम वेलकम बैक टू गोकुलधाम सोसाइटी जोरदार तैयारी किया बच्चों ने स्वागत किया वेरी गुड बच्चे वेरी गुड बिड़ंगल ये लीजिए आपका स्वागत बिल 2000 रुपए का स्वागत का है माधवी हाँ बिड़े अंकल ये हार फिर ये पेपर ब्लास्ट ये डेकोरेशन का जो भी बिल हुआ है ना वो पोपट अंकल ने आपसे लेने को बोला है हाँ बेबी ये क्या बोल रहे हो तुम आई बड़े सूट है रहे अमित ऐसे चमकला क्या हुआ बिड़े अंकल इतना सोच के रहे हो पैसे देंगे ना आप हाँ अरे दे रहे आज तो बिड़े अंकल इतने खुश है कि दो की जगह 4000 दे देंगे है ना अरे भाई मैं क्यों दूं जेठालाल ये आइडिया पोपटल का था तो पोपटल पैसे देगा भाई बिड़े अंकल वो हम कुछ नहीं जानते वो आप पोपट अंकल से डील कर लेना हमें हमारे 2000 रुपए दे दीजिए हाँ हाँ प्लीज हाँ यार तो 2000 तो तुमने लगा लिया लगता अरे वाला पीड़ू वो तू बच्चों का मजाक नहीं समझा कॉल कर रहे थे यार पूरी जिंदगी बच्चों के साथ बिताई फिर भी समझ नहीं पाया बच्चों को खापड़ दो ना मी अरे बाबा पोपट अंकल हमें स्वागत के लिए पैसे देकर गए थे वाह अच्छा भिड़ा मैं क्या कह रहा हूँ अभी यह सखाराम एकदम मस्त नया बन के आ गया है तो जरा एक लंबा बड़ा सा मेरी दुकान तक चक्कर मार के देख ले बराबर चल रहा है कि नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहिए तो मैं आ जाता हूँ साथ में चल मैं आ ही जाता हूँ चल जेठालाल तुम कब सुधरोगे भाई अरे भाई अशरानी जी ने कहा है ना हम नहीं सुधरेंगे
दोस्तों पोपटलाल की नौकरी जाने की दास्तान जो पतंग की तरह हिचकोले खा रही थी अंततः स्थिर हो गई है। पोपटलाल को नौकरी मिल गई है और गोकुलधाम में भी लोटे के साथ नोक झोंक और हंसी खुशी मजाक फिर से लौट आया है और भिड़े का स्कूटर सखाराम भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ होकर गोकुलधाम में फिर से आ गया। यानी कि खुशियां ही खुशियां। वो कहते हैं ना राजा रानी की कहानी, जिनका अंत बड़ा सुखद होता है, खुशियों भरा होता है। यहाँ भी यही हुआ, लेकिन उसमें एक बात और होती है कि फिर खाया पिया मजे किए। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में खाया पिया मजे किए जैसी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मुसीबत अपनी सेना लेके कब गोकुलधाम राज्य पे हमला कर दे पता ही नहीं चलता। लेकिन ये जो गोकुलधाम के निवासी है, जो इनकी सेना है, वो मुसीबत की सेना का जम के मुकाबला करते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन जीतने से पहले यहाँ इतना टेंशन, इतनी अफरा तफरी हो जाती है कि पूछिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मुसीबत की सेना इस गोकुलधाम की सेना और टपू सेना के साथ कौन सा नया युद्ध छोड़ती है, कौन सा नया हमला करती है। भाई युद्ध चाहे जैसा हो, आपके घरों में तो हंसी का युद्ध होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।